ये है जनेऊ बनाने का प्रोसीजर। इस तरह से लंबा जनेऊ का जो रस्सी होता है वो बांध के इसका कुछ प्रोसीजर होगा ना शांतनु। शांतनु को जनेऊ बनाना आता नहीं है, सिखाया था पापा ने, लेकिन हाँ भूल गया तुमने। अभी पापा हर साल बना के देते हैं, तीन चार लेके जाएगा। देखो ये देखो पापा बना रहे हैं। ये देखो जनेऊ का क्या प्रोसीजर था बाबा, अरे बहुत डिफिकल्ट था, दिमाग बनाया बाबा। ओए बोलो तुम सीखो, देखा ना तुमने सीखो। हाँ सर पागल हो जाएगा, बुद्धि लगाओ, थोड़ा बुद्धि दिमाग लगाओ। नहीं होता देखो पापा का आट, आट है। तो पापा को आता है तो तुमको क्यों नहीं आता? आर्टिस्ट हो ना, तुम सीख लो। मैं क्यों सीखूं, तुम्हारा काम है ये। जनेऊ का धागा का साइज देखो। शांतनु का टिफिन बॉक्स, ये हॉस्टल के टिफिन बॉक्स था। कितना मैं खाता था सोचो, कितना इतना मैं खाता था। ये यहाँ से टिफिन लेके जाता था ना। सब कुछ मम्मी का खजाना था। ये मेरा शादी का क्या बोलते है ना, कलसी ना, घड़ा घड़ा। मैं शादी करके मतलब गई ससुराल में, अंदर गई और जो मंडप होता है ना वहाँ पे कुछ रिचुअल होता है, सारे ननद इसको पानी भर के सीधा ऐसे करके सीधा, मुझे समझ में नहीं आया मुझे हुआ क्या, मतलब मुझे ये क्यों दिया है, वो सब कुछ समझ में नहीं आया। उसके बाद मेरे साथ मेरे मामा गए थे मुझे पहुंचाने, बोल रहे थे फैसा, मतलब वो बोलता ना कुछ क्या बोलते गृह, मतलब भाभी आती है तो घर क्या वो क्या घर घुसने क्या क्या बोलते हाँ डिमांड, मतलब भाभी आई तो ननदों को कुछ मिलता। इसमें कितना लीटर पानी आएगा? इसमें कम से कम 7-8 लीटर। 7-8 लीटर खुद ही भारी है, 4-5 लीटर ना। इतना भारी था ना, मेरा कमर पे ना पूरा दाग हो गया था यहाँ पे एकदम। उसके बाद मेरे मामा ने देखे बोला जल्दी जल्दी नीचे उतर। अभी बैंगन ले जाने का कार्यक्रम हो रहा है। अच्छा अच्छा वाला बैंगन छोटे से करके काट ना, काट करते काट बिल्कुल एक हाथ धर, ये बैगन एकदम मजेदार है, ये वाला बैगन छोटा मामी है, मतलब मेरा मेरा खुद का छोटा मामी है, मतलब मेरा माँ का छोटा भाई का वाइफ साइड में रहते हैं। छोटा मामी बहुत अच्छी है, बहुत शांत है, कुछ भी बोलो कुछ नहीं करती है। और बड़ा मामी से भी मैं मिल नहीं पाई इस बार, क्योंकि कल मेरा तबीयत खराब हुआ ना, कल जाने का था। तो बड़ा मामी भी ऐसी छोटी सी बहुत क्यूट सी, छोटा हो गए जी। हाँ छोटा मामी ना, मैं जब से शादी करके आई हूँ तब से वैसी बहुत शांत है। मतलब मेरा दो मामी है, मदर इन लॉ का दो भाई है, तो एक तो सामने रहते हैं और एक थोड़ा सा सामने, वो नेक्स्ट टाइम जाएंगे। तो एक प्रणाम करी था। इस बार ले जाने का यह था, लेकिन इस बार माँ का सिचुएशन ठीक नहीं है, हम लोग किस ठीक तरह से पहुँच जाए बस वही है, उसके बाद नेक्स्ट टाइम देखते हैं। मुझे भी डर लग रहा है, जल्दी जल्दी पहुँच जाए। 80 करो ना, 80 करो, जिंदा भर में माई मैं पूजा में 80 करो, 80 माँ, 80 80 बाबू, माई माँ 80 बाबा 80 There's some stains on
लोग रानीगंज जा रहे हैं। आने के टाइम अच्छा लग रहा था, हैप्पी भी फील हो रहा था, जाने के टाइम मतलब अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैं कभी भी जाने के टाइम साड़ी भी नहीं पहनती हूँ और थोड़ा सा जो सलवार रहता है वो पहन के चली जाती हूँ, क्योंकि आने के टाइम ना एक सजने का मन करता है, जाने के टाइम कहीं पे भी जाओ तो मतलब वो अच्छा नहीं लगता है, मतलब एक अलग ही फील होता है, वो फील समझाया नहीं जा सकता, जो आते जाते हैं घर वो उनको समझ में आएगा, तो वही क्या करे, इसी का नाम जिंदगी है, जिंदगी ऐसे ही चलेगी। मम्मी का फ्रेंड है और हमारे यहीं पे रहते हैं जैसे वो घर के तरफ, मेरे एक फ्रेंड है अंकू जो दुबई में रहते हैं, उसका मम्मी और चाची, अंकू आपकी मम्मी और चाची देखो मेरे पास है, आप आ जाओ इधर इंडिया। हाँ देखो विक्की का बेटा, इसका मतलब विक्की मुझसे बहुत छोटा था, मतलब इतना छोटा था, उसका बेटा भी हो गया, कितना अच्छा। मैं भी आंटी लोगों से बहुत दिनों बाद मिल रही हूँ, लास्ट टाइम कभी मिल रही थी, और देखो वो बाहर जा रही है, मुझे बोले घूमना है, देखो सारे मम्मी का फ्रेंड है, सारे वो गप्पे करते हैं मम्मी का, यहाँ पे बैठ के कभी कभार मम्मी आके गप्पे करती है, ये आंटी जैसे कि वैसे ही है, और ये हमारी बेटी है, थोड़ी स्लिम हो गई है। ओ देखो आंटी बोली आज थोड़ा दो चार रसगुल्ला खा के जाओ और थोड़ा बगल बना के जाओ, रसगुल्ला नहीं हम इसको आश्रम के बगल का पुचका खिला के भेजेंगे, खिला के ये आंटी ऐसी की वैसी है, मतलब मैं जब छोटी थी तभी तो आपको ऐसे कैसे, तो ये थोड़ी गोलगप्पा जैसी थी तो हमको ज्यादा क्यूट लगती थी, जो रोड है उसके साइड साइड में ही जो घर है वही सारे में रहते हैं, तो वही बहुत दिनों बाद आंटी बोल रही बहुत दिनों बाद क्यों आते जा, थोड़ा जल्दी जल्दी आया करो, अभी ऑंडल वाले फ्लाइट हो गया ना, जल्दी जल्दी आया, ज्यादा आराम हो गया, ज्यादा आराम हो गया। अरे एक आंटी, ये मेरे एक दोस्त थी, उसका मम्मी वो तो शादी करके अभी चली गई, होता है सब दोस्त एक एक करके शादी करके बाहर चले गए, मुलाकात तो होता नहीं है, वही कभी कभार देखना हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। और मम्मी का दोस्त से मिल के, सारे दोस्त से मिल के कैसा लगा बताना जरूर, अभी आई ना नीचे सब, तो मतलब मैं यहाँ पे पली बड़ी हुई हूँ, तो सारे जो आंटियाँ हैं सब छोटे से बचपन से ही देखते हैं, तो मैं जब भी आती हूँ नहीं मिलती हूँ तो अच्छा नहीं, एक अच्छा नहीं फील होता, बोलते ना जहाँ पे आप पले बड़े होते हो उस जगह का एक अलग ही कनेक्शन रहता है, चाहे वो दूर दूर सब क्यों ना रहे। दुग्ध देसी की दिया जाए, ये है कटहल, इचोड़, जैकफ्रूट जो भी बोलते हैं, ये अभी यहाँ पे अभी गर्मी के टाइम, इसका अंदर तो देखा मिठाई के अंदर मिठाई, ये एक मिठाई है इधर और एक मिठाई है इधर, मिठाई के अंदर मिठाई, खीर कदम। हाँ और ये सेजो मामा लाए थे रसगुल्ला, देखो साइज दिख रहा है रसगुल्ला का, मेरा सेजो मामा आया था, मतलब मेरे मम्मी का थर्ड भाई, आपने देखा होगा पिछले टाइम, मेरा फेवरेट मामा है वो, छुट्टी का भाभी नानू बोलते हैं, तो वो घर गई थी ना पिछले बार जिनके घर, तो वो आए थे, इतना गप्पे होता है ना मेरा सेजो मामा के साथ, मेरा बहुत मतलब बचपन से एक अलग कनेक्शन है, तो वही गप्पे करते करते आप लोगों के साथ मुलाकात कराई नहीं, भूल गई, तो फिर कहीं नहीं अभी फिर से हो जाएगा, स्वीटी का चिप्स दिया, स्वीटी को क्या दिया, चिप्स मिला उसको, पता है चिप्स, उस दिन आए थे मामा फिर से, मैं तब ससुराल में थी, तो देखो कितना बड़ा बड़ा रसगुल्ला लेके, तो वही मतलब वही इतना बातें किया ना, मतलब मामा के साथ बातें करके एक अलग ही फील होता है। मैं ना इतने दिनों से ना पूरा घूम रही हूँ, घूम रही घूम रही, एक दिन इधर एक दिन इधर, चलो अच्छा लग रहा है। और ये जो है ना इचोड़, मम्मी ने इचोड़ बना के रखा था, जैक फ्रूट बहुत अच्छा लगता है मुझे, तो जैक फ्रूट अभी एनी टाइम दे दो खा लेंगे। शांतनु बुद्धू जैसा कैसा काम कर रहे थे, हम लोग करते थे ना बचपन में किसी भी चीज, ये ऐसे ही शांतनु मुझे मजाक कर रहा है, बोल रहा है फैन के नीचे रखो ठंडा हो जाएगा, ये ऐसे ही मजाक हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। और स्वीटी और रूम्पा का चल रहा है चाय बनाना, लेकिन ये वाला चाय, हाँ ये वाला चाय भी बनाना सीख गई, डुबो डुबो का बस बच्चों जैसा खेलो, खाली गरम जो आज रूम्पा का ड्रेस देखो, मैं आके मतलब रूम्पा घूम घूम इधर इधर देखो, आज रूम्पा का ड्रेस ये मम्मी को अच्छा नहीं लगता और मुझे तो बहुत अच्छा, पीछे घूम पे कितना सुंदर सा डिजाइन है यहाँ पे रूम्पा का, ये ड्रेस मैं भी पी सकते हैं, हाँ इसमें चाय पी सकते हैं, सोचो इसमें चाय पी सकते हैं, सोचो टूट जाएगा, हाँ तुम पानी पी रहे हो वही काफी है, तो ये रूम्पा का ये ड्रेस देखो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एकदम
कलरफुल एकदम, लेकिन कलरफुल ड्रेस पहनना चाहिए ना। मन खुश होते मम्मी सो गई खाना खा के, इधर मम्मी का दरवाजा भी थोड़ा सा मतलब छोटा करके रखते क्योंकि मैं यहाँ पे काम करती हूँ ना, और रूम्पा स्वीटी अभी यहाँ पे आके बिजी हो जाती है रूम्पा के साथ, टीवी देख रही थी कुछ देर, उसके बाद अभी वो रूम्पा के साथ, रूम्पा भी इतना जल्दी नहीं सोती है, रूम्पा मेरी छोटी बहन जैसी है और देखो थी। हाँ तुम डांस करो, मैं दिखा जब कैमरा घुमा रही हूँ तब वो डांस कर, तब क्या फायदा, वो बेकार का डांस का कुछ फायदा नहीं है, जो दिखता नहीं है वो क्या फायदा था। हाँ तुमने यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं क्योंकि मेरा वीडियो कैसा बन रहा है वैसे ही अभी यहाँ पे आके थोड़ा और भी बाप रे बाप, मैं बोल रहा ना कितने दिनों से मेरा सर भी मतलब हेयर वॉश भी करना वो सब नहीं हुआ, बैग देखो फैला हुआ, खोल दिया तो बैग को खोल दे रही हूँ तो ऐसा करके फैल जा रहा है, अभी क्या करे है? ऐसा ही है। आज का वीडियो भी यहीं पे एंड करते हैं, वीडियो किसी भी रीजन पे अच्छा लगा है लाइक जरूर करना, और मेरे चैनल पे नए फ्रेंड्स है तो सब्सक्राइब जरूर करना। अभी मिलते हैं कल के और एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के टिंग वाला बेल बटन जरूर दबाना, तब तक के लिए हाँ क्योंकि कुछ कुछ फ्रेंड के पास नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है, आज एक दो फ्रेंड का मैसेज आया था, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल माय फ्रेंड्स, बाय। Even if you try, you wouldn't.